नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार सरकार की सेवा से रिटायर पेंशनरों को बड़ी राहत, जीवन प्रमाण पत्र के लिए अब बदल गए नियम। बिहार सरकार की सेवा से रिटायर होने वाले कर्मियों को अब दो श्रेणी में जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। एक कैटेगरी में 80 साल उम्र से अधिक पेंशनर रखे गए हैं, तो दूसरी कैटेगरी में 80 साल उम्र से कम के पेंशनर अब 80 साल उम्र के अधिक पेंशनर को 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार की सेवा से रिटायर वैसे कर्मी जिनकी उम्र 80 वर्ष या इससे अधिक हो, उन्हें 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। पहले सभी उम्र के पेंशनरों को 1 नवंबर से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था। केंद्र सरकार के 80 वर्ष या उससे अधिक के सरकारी सेवानिवृत्ति कर्मियों को इस साल अक्टूबर में ही जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ा था, लेकिन केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश के बाद अब राज्य में भी बदलाव किया जा रहा है। महिला टीकाकरण में बिहार देश में 5वें स्थान पर, किशोरों के वैक्सीनेशन में 2रे नंबर पर। कोरोना वैक्सीनेशन में बिहार की महिलाओं ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में महिलाओं ने टीकाकरण में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर भारत में यह उपलब्धि हासिल करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में जनवरी के अंत तक 11,15,89,290 को कोविड रोधी टीके दिए गए हैं। इनमें से 5,65,10,771 पुरुष और 5,42,21,776 महिलाओं ने टीकाकरण कराया। प्रदेश में करीब 51% टीके महिलाओं को दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिहार से पहले देश के 4 राज्यों ने सर्वाधिक तेजी से महिलाओं का टीकाकरण किया है। इन राज्यों में पहले पायदान पर केरल है, जहाँ अब तक लगे टीकों में 52.3% महिलाओं को लगे हैं। आंध्र प्रदेश में 52%, पांडुचेरी में 51.7% और तमिलनाडु में 51.3% महिलाओं का टीकाकरण किया गया है। इसके बाद बिहार का स्थान है। IGIMS में टफ है जीनोम सीक्वेंसिंग, कैसे होगी ओमिक्रॉन संक्रमितों की पहचान। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जीनोम सीक्वेंसिंग टफ है, इसीलिए प्रदेश में कितने ओमिक्रॉन के मरीज है इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। अभी तक यहां 2 बार ही जांच हो सकी है। पहली बार में 32 सैंपल में 28 तथा दूसरे बार में 40 में 40 सैंपल ओमिक्रॉन संक्रमित मिले थे। अस्पताल प्रबंधन इसका कारण रीएजेंट उपलब्ध नहीं होना बता रहा है। रीएजेंट खत्म होने से ओमिक्रॉन जांच के लिए कोरोना संक्रमित के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पूरी तरह बंद हो गई है। IGIMS के माइक्रोबायोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता कुमारी ने बताया कि एक बार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रोसेस करने के लिए 9 से 10 लाख रुपए खर्च होते हैं। रीएजेंट के लिए संस्थान से आग्रह किया गया है, जल्द ही आने की उम्मीद है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि रीएजेंट का ऑर्डर दिया गया है, वह US से आता है, दिल्ली पहुंच चुका है। उम्मीद है कि 1-2 दिनों में संस्थान के पास पहुंच जाएगा। बिहार में बिजली का ऐसा कनेक्शन लेना पहले से महंगा, कंपनियों ने 30% तक बढ़ाया चार्ज। बिहार में बिजली का कनेक्शन लेना अब पहले से ज्यादा महंगा होगा। बिजली कंपनियों ने सीजनल कनेक्शन चार्ज में 5-30% तक इजाफा करने का फैसला किया है। बिजली कंपनी की तरफ से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को इस बाबत एक प्रस्ताव दिया गया है। आयोग की मंजूरी मिलने के बाद अप्रैल महीने से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएंगी। बिजली कंपनियों की तरफ से दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक सीजनल कनेक्शन कम से कम 3 महीने और अधिकतम 1 साल से कम अवधि के लिए दिए जा पाएंगे। कंपनी की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई साल भर में केवल 3 महीने के लिए ही बिजली कनेक्शन लेना चाहता है तो उन्हें सामान्य बिजली दर के अलावे 30% ज्यादा राशि देनी होगी। यह राशि उसी श्रेणी के मुताबिक वसूली जाएगी जिस श्रेणी में उपभोक्ता बिजली कनेक्शन लेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई 3 महीने से 6 महीने के बीच का कनेक्शन लेगा तो उसे सामान्य बिजली दर के अलावे 20% अतिरिक्त राशि देनी होगी। 6 महीने से अधिक और 9 महीने के तक के लिए कनेक्शन लेने पर 15% अतिरिक्त राशि देनी होगी। प्रस्ताव में अधिक से अधिक 1 साल से कम अवधि के लिए सिग्नल कनेक्शन देने की बात कही गई है। इस श्रेणी में 9 महीने से 1 साल से कम अवधि के लिए 5% अतिरिक्त राशि देनी होगी।
सरकार किसी कर्मचारी या अधिकारी को लंबे समय तक निलंबित नहीं रख सकती है। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के निलंबन को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को लंबे समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता है। हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि अगर निलंबित कर्मी के खिलाफ लंबे समय तक जांच चल रही हो तो उसे निलंबन मुक्त करना होगा। पटना हाईकोर्ट में जस्टिस पीबी बजंत्री की एकलपीठ ने ये फैसला सुनाया है। दो दिन पहले इस मामले में फैसला सुनाया गया है। हाईकोर्ट में एक निलंबित अंचलाधिकारी राकेश कुमार ने याचिका दायर की थी। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया है। अंचलाधिकारी राकेश कुमार के वकील अखिलेश दत्त वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निलंबित कर्मी के विरुद्ध अगर लंबे समय तक जांच पूरी नहीं की जाती है तो निलंबन को रद्द करना होगा। बिहार में इस साल सबसे लंबी अवधि की रही ठंड, क्लाइमेट चेंज का मौसम पर दिख रहा है असर। बिहार से जुड़े सर्वकालीन मौसमी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी सर्वाधिक ठंडी जा रही है। मौसम विज्ञानी जनवरी 2022 की अब तक पड़ी ठंड को सबसे लंबी अवधि की प्रभावशाली शीत बता रहे हैं। इस साल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में 18 से 20 दिन कोल्ड डे दर्ज किए गए, यह सामान्य से करीब 4 गुना अधिक है। इसी तरह इस मकर संक्रांति के बाद तक लगातार शीतलहर बने रहना दुर्लभ मौसमी घटनाक्रम का माना जा रहा है। कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर सीएम नीतीश कुमार काम पर वापस लौटे, इस विभाग की कर रहे हैं समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम पर लौट आए हैं। कोरोना संक्रमित होने के कारण वो विभागीय कामों से दूर थे। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बाद एक बार फिर उन्होंने वापसी कर ली है। सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को स्वस्थ होने के बाद पहली बार समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे। बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित अपने कार्यालय में सीएम नीतीश कुमार पथ निर्माण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री की इस समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। इंटर परीक्षा के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी होने या गुम होने पर भी एग्जाम की अनुमति जाने शर्त। बिहार बोर्ड 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 14 फरवरी तक चलने वाली है। इस परीक्षा के लिए बोर्ड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कोरोना काल और ठंड के बीच आयोजित की जा रही इस परीक्षा में बोर्ड ने एक तरफा जहां परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर आने की अनुमति दे दी है, वहीं वैसे परीक्षार्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है जिनके पास एडमिट कार्ड में कुछ गड़बड़ी हो गई है। बोर्ड ने वैसे परीक्षार्थियों के लिए ये इंतजाम किए हैं। वैसे परीक्षार्थी जिनके प्रवेश पत्र में फोटो की त्रुटि हो गई है उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है। जिन स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड में फोटो में अगर गड़बड़ी हो या किसी अन्य तरह की तस्वीर छपी हो तो छात्रों को पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। छात्र आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा फोटोयुक्त बैंक का पासबुक लेकर परीक्षा केंद्र पर आए। इसके साथ ही पहचान पत्र की छाया प्रति राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर परीक्षा केंद्र पर जमा करना होगा। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री रानी चटर्जी ने ली कांग्रेस की सदस्यता। प्रियंका गांधी के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन रानी चटर्जी ने राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया है। रानी चटर्जी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई है। इस बात की जानकारी रानी चटर्जी ने खुद सोशल मीडिया पर दी है, जिसके बाद से लगातार उन्हें फैंस बधाइयां दे रहे हैं। भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी शेयर की है। इस तस्वीर में प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रही है। रानी चटर्जी लिखती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये वही नारा है जिसके सहारे प्रियंका गांधी अपने विरोधियों पर हमला बोल रही है। इस तस्वीर के साथ कैप्शन में रानी चटर्जी ने प्रियंका गांधी को धन्यवाद लिखा है। रानी लिखती है कि एक और लड़की लड़ने के लिए तैयार है। प्रियंका जी के अभियान लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के साथ जुड़कर मैंने एक नई अध्याय की शुरुआत की है। आज प्रियंका गांधी जी से दिल्ली में मुलाकात हुई, साथ में मुंबई कांग्रेस के युवा नेता मेरे मित्र सूरज सिंह ठाकुर से भी मुलाकात हुई। रानी चटर्जी ने जैसे ही तस्वीरें पोस्ट कर बताया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, तब से लगातार उनके फैंस की तरफ से बधाई संदेश मिल रहे हैं।
बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में किया गया बदलाव, जानिए पूरी डिटेल। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव कर दिया गया है। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इन बदलावों को अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं। बता दें कि जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है वहीं से स्थायी लाइसेंस भी बनेगा। वहां चालक अब दूसरे जिले से स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। इस मामले में परिवहन विभाग ने बिहार के सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को लेटर लिखकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि अब तक कोई भी लर्निंग लाइसेंस कहीं से भी स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन था। इस वजह से जिन जिलों ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य है वहां से लर्निंग लाइसेंस बनाकर दूसरे जिलों में जाकर बिना टेस्ट दिए स्थायी लाइसेंस बना लेते थे। इससे वाहन चालक गाड़ी चलाना नहीं सीखते थे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। परिवहन विभाग ने ठीक से नहीं सीखने की वजह से हादसे होने की बात कही थी। आपको बता दें कि पटना में 3 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन सहित ऑनलाइन टेस्ट का भी स्लॉट बुक नहीं हो रहा था, लाइसेंस फेल हो रहा था। उन्होंने दूसरों जिलों में जाकर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है। स्थायी लाइसेंस के लिए 2300 रुपये का चालान काटना पड़ता है, अलग से स्लॉट बुक करने का 50 रुपये देने पड़ते हैं। अब इससे हजारों आवेदकों का लाइसेंस फंस सकता है। आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।